और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। आज बताया आपको कि आज अनुसूचित जनजाति, जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण फॉर्मूला तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, झारखंड पर्यटन नीति 2020, झारखंड खेल नीति 2020, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, कृषि ऋण माफी योजना, ये वो योजनाएं जो आज जिसकी आज सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित करना, गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना जिनका उद्घाटन होना है, चाकुलिया शहरी जलापूर्ति योजना, नगर निगम भवन रांची, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, जुपमी भवन का उद्घाटन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आदित्यपुर, ये वो योजना है जिनका उद्घाटन होना, 38 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का डिजिटल उद्घाटन, समाहरणालय हजारीबाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन होगा, चांडिल और सरायकेला खरसावां में अनुमंडल कोर्ट का उद्घाटन होना है। चांडिल और सरायकेला अनुमंडल कोर्ट के लिए जो क्वार्टर बनाए गए हैं उनका उद्घाटन, हजारीबाग के बरही अनुमंडल में उपकारा का उद्घाटन होगा, खूंटी चतरा लोहरदगा जामताड़ा गोड्डा बगोदर और हजारीबाग में राजकीय पॉलिटेक्निक का उद्घाटन, बीआईटी सिंदरी में नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन, 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का भी उद्घाटन होना है आज, खूंटी जिले के फुदी में नवनिर्मित सहकारी प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान भवन का उद्घाटन, देवघर के सारठ में डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा, पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन, सरायकेला के नीमडी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन, 90 विद्यालय और सक्रवाल भवन का डिजिटल उद्घाटन होगा। और जिन योजनाओं का शिलान्यास होना है, धुरवा में नेहरू पार्क का नवीनीकरण और शिलान्यास, रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज दो का शिलान्यास होगा आज, रांची जिला के बरहे बीजूपाड़ा में फार्मा पार्क का शिलान्यास किया जाएगा, धनबाद के निरसा में लेदर पार्क, इको टूरिज्म सर्किट का शिलान्यास, 12 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का डिजिटल शिलान्यास। और चलिए आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान से, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं। और फिलहाल अजय लाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, रांची के मोरहाबादी मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं, अब बस इंतजार हो रहा है तो मुख्यमंत्री का, थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू होना है, ये कार्यक्रम शुरू होगा, लोग भी आने लगे हैं। बिल्कुल आरती, और एक वक्त का एक अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने तमाम अधिकारियों को मैसेज दिया है कि मोरहाबादी मैदान में आने वाले आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा के नाम पे किसी व्यक्ति को ज्यादा परेशान ना किया जाए, जो लोग आना चाहते हैं वो आएंगे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। अपने सहयोगी अरविंद के माध्यम से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी दाहिनी तरफ का हिस्सा या फिर बाईं तरफ का हिस्सा, आम लोगों के लिए पूरा का पूरा ये मैदान तैयार है। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के माध्यम से साफ मैसेज दिया है कि कोई भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कहीं से भी कोई ऐसा व्यवहार न हो आज के दिन जिससे किसी की भावना को ठेस लगे। अमूमन ऐसी स्वभाव में होता यह है आरती कि कई बार सुरक्षा के नाम पे अधिकारी थोड़े सख्त हो जाते हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जितने भी स्टैटिक मजिस्ट्रेट मौजूद हैं या फिर पुलिस के वरीय पदाधिकारी मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को कहा है कि आम व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका वो ख्याल रखें, ये आम लोगों का कार्यक्रम है, ऐसा ना कोई किसी के मन में ये चीजें आए कि बहुत बड़ा वीआईपी कार्यक्रम है, कैसे जाएंगे, कैसे रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे। तो ये मैसेज, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैसेज दे रहे हैं आम लोगों के लिए कि ये आपकी सरकार है, इस बात का एहसास लोगों को ना सिर्फ
हो बल्कि उनका सच्चाई से भी रूबरू हो कि ये आपकी सरकार का वर्षगांठ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम माना जाए। तो मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन का साफ मैसेज आया है अधिकारियों के पास कि आम लोगों के साथ बिल्कुल शालीनता के साथ पुलिस पदाधिकारी या फिर जो भी स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं या फिर जितने भी गेट बनाए गए हैं उनके साथ शालीनता के साथ पेश आए। और इंतजार हो रहा है कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे इस अब भी मैं देख पा रहा हूं कि मंच पे सीधे हमारे सहयोगी एक बार फिर से मुख्य मंच की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आरती आपके माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे यहाँ पे जो कार्यक्रम के पहले एक जो होता है रिहर्सल का कार्यक्रम वो हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐन मौके पर मैं देख पा रहा हूँ कि सूडा के निदेशक मंच पे मौजूद हैं और उनके जिम्मे ही पूरे कार्यक्रम का यह है कि कहाँ कहाँ कैसे होना है। तमाम पदाधिकारी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और एक जो दाहिनी तरफ का मंच मैं देख पा रहा हूँ, हमारे सहयोगी अरविंद दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देखेंगे, ये जो मंच है वहाँ पे आदिवासी गीत संगीत का भी कार्यक्रम होगा। वह पूरी तरह से ओपन रखा गया है पूरे मंच को कि कहीं किसी व्यक्ति को कोई कार्यक्रम देखने में परेशानी ना हो। तो ये निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किया है और अधिकारियों को ये साफ तौर पर मैसेज है कि जो भी वहां पर पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, और यही बात बार बार कही जा रही है अजय, कि यही छोटी छोटी चीजें हेमंत सोरेन को बाकी नेताओं से अलग खड़ा करती है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अरुण बर्णवाल भी जुड़ रहे हैं धनबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए कई योजनाओं का डिजिटल या ऑनलाइन हम कहें उसकी भी शुरुआत होनी है, शिलान्यास होना है, धनबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए आरती, निश्चित रूप से कहें तो धनबाद में भी अब से थोड़ी देर बाद जब राज्य के मुख्यमंत्री मोराबादी मैदान से जो योजनाओं की शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे तो धनबाद जिले को भी लगभग 295 करोड़ की सौगात मिलेगी। इसमें उद्घाटन और शिलान्यास की जहां तक बात कर लें तो हम तो लगभग 52 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है, और जबकि 52,121 लाभुकों के बीच 242.82 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। देखिए, ये गोल्फ ग्राउंड मैदान है जहाँ पे तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और LED के साथ प्रसारण होगा। ये बड़ा विशाल भव्य स्टेज बनाया गया है। यहाँ पे कोविड को ध्यान देते हुए, चूंकि पहले जिला प्रशासन ने 200 लोगों के ही अनुमति दी थी इसमें शामिल होने का, इस समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश के बाद इसे गोल्फ ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया रणधीर वर्मा स्टेडियम में, और लगभग 1,000 लोगों को यहाँ पे बुलाने की, यहाँ के आने की संभावना है। इसके अलावा देख, आप मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जो पूरा दिखलाए, ये देखिए यहाँ स्टॉल भी लगाए गए हैं जो विभिन्न सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करता है। तो एक बार आरती देखिए, हमारे साथ DPO हैं जो पूरे इस कार्यक्रम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे। सर, क्या क्या योजनाएं हैं, कितनी योजनाओं का यहाँ से उद्घाटन और शिलान्यास होना है, और कितने लोग लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण होना है? राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर भी समारोह पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें धनबाद जिला में 38 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन होगा, 15 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास होगा, और 52,121 लाभुकों को 243 करोड़ का जो है परिसंपत्ति का आज वितरण करने का लक्ष्य है। हालांकि सारे लाभुकों को देना संभव नहीं है, हम लोग सिंबॉलिक ये काम आज स्टेज मंच पर करेंगे राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में। कितने लोगों का यहाँ पे आने की व्यवस्था है, क्योंकि कोविड है, इसका भी ध्यान रखना है, सरकार का भी निर्देश है कि समारोह में हम लोगों ने कोविड की सारी एहतियाती व्यवस्था करते हुए यहाँ 1,000 का लक्ष्य हम लोगों ने दर्शकों के आने का रखा है लाभुकों को, और सारे व्यवस्था हमारी 2,000 के लोगों को बैठने की रखी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। इसके अतिरिक्त हाँ, विभिन्न विभागों का 25 स्टॉल भी लगाया गया है विभिन्न सरकारी योजनाओं का। देखिए आरती, निश्चित रूप से जिला प्रशासन जो है सरकार के निर्देशों का अनुपालन पूरी तरह से कर रही है, और चाहे वो कोरोना को लेकर दिया गया
गाइडलाइन हो या फिर सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसे सही से प्रदर्शित करना हो। क्योंकि इस टोटल धनबाद जिले में 52,121 लाभुकों को के बीच पर संपत्तियों का वितरण करना है, तो आज टोकन के रूप में फिलहाल 1,000 लोगों को यहां बुलाया गया है जो उन्हें दिया जाएगा। बाद में धीरे धीरे उनके प्रखंडों में जाकर उनसे उनको उनके बीच पर संपत्तियों का वितरण किया जाएगा। तो पूरी तरह से तैयार है इस अबुआ सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिला प्रशासन ने भी और यहाँ के लाभुकों ने भी इस हेमंत सोरेन सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। जी बिल्कुल, इस पहल का स्वागत किया है। अरुण लौटेंगे आपके पास, अजय लाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजय देखिए, जो हमने तस्वीरें दिखाई मुख्य मंच से रांची के मोरहाबादी मैदान में किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुख्यमंत्री का निर्देश भी आ गया है, अधिकारियों को सख्त हिदायत है कि जो आम जनता है उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन सब के बीच जो अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर है कि कोरोना को लेकर खास एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। जब जब तैयारियों की समीक्षा की गई है, इस बात की तस्दीक की गई है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। बिल्कुल आरती, देखिए इस वक्त जो मोरहाबादी मैदान में एक एक चेयर की बात करें, चाहे वो किसी प्रकार का वीआईपी लॉन्ज हो या फिर आम लोगों के बैठने की जो के लिए जो कुर्सियां लगाई गई है, वो तमाम चीजों को हमने देखा। मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे कवर करने के लिए आया था, तमाम जगहों पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं ये इस बात को पूरी तरह से वो बेखौफ होकर रहे कि किसी प्रकार का संक्रमण वो यहाँ से लेकर जाएंगे। पूरी तरह से तमाम कुर्सियां मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चेयर जो यहाँ पे लगाई गई है, ये तमाम चेयर को हमने देखा कि ये जो जितने भी कवर हैं या फिर प्लास्टिक के चेयर हैं, यहाँ तक कि जो कालीन जो देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक आपके माध्यम से, तमाम जगहों पर सैनिटाइजर किया गया है। न सिर्फ एक बार दो बार बल्कि 12-13 बार कल शाम से लेकर आज सुबह अब से थोड़ी देर पहले तक मैंने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं आपके पास, दर्शक हमारे देख पाएंगे। तो कम से कम और साथ ही जो जितने भी यहाँ पे आने के मुख्य द्वार है वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने बड़ी संख्या में मास्क भी अपने साथ रखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मास्क के साथ ना हो ना आए पाए, या फिर हो सकता है कि कई बार लोग घर से निकलते हैं उनके जेब में मास्क होता है, कई बार कहीं मिस हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे मास्क देने की व्यवस्था है। तो कम से कम तमाम चीजें हैं, COVID-19 है, साथ साथ कई बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोविड के साथ ही हम लोगों को अब अपने जीवन शैली को हैबिट को अपनाना होगा। तो इसका मतलब यह है कि सावधानी भी बरतनी होगी। अब तमाम पुलिसकर्मी देखेंगे उन्होंने मास्क लगा रखा है, तो ये तमाम इस बात का एहसास मौजूदा सरकार को है कि COVID-19 से अभी पूरी तरह से लापरवाही नहीं बरतनी है। लिहाजा इस वक्त भी जगह जगह पे जितने भी, जैसा मैंने कहा कि मुख्य द्वार के पास लगा तमाम सुरक्षा कर्मियों ने मास्क रखा है अपने पास कि जो भी व्यक्ति यदि आ रहे हैं यहाँ पे उनके पास यदि मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए ही ये तैयारी हो रही है, यहाँ पे वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि तमाम नियमों को अलग रख दें और उसके बाद जश्न की तैयारी करें, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी काफी सख्त हिदायत है कि COVID-19 को लेकर जो सावधानी बरतने की बात है, और जो चेयर का जो दौर है, अब से पहले जो चेयर थोड़ा दूर होता था, ये पास होता था, लेकिन देखेंगे ये 2 फीट की दूरी लगाई गई है ताकि एक से दूसरे व्यक्ति के बीच जो यहाँ पे क्षमता होती थी उससे आधी कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई है। तो ये तमाम चीजें हिदायत के तौर पर, चलिए तो यहाँ तो मुकम्मल तैयारी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर यहाँ पे मुकम्मल तैयारी की गई है। एक बार देख लेते हैं धनबाद में क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर की गई है, धनबाद का रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ तैयारियां वहां पर, क्योंकि देखिये यहाँ मुख्य समारोह है रांची में, तो यहाँ तो तैयारियां पुख्ता की गई है, चाहे वो मास्क की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, या फिर 2 गज दूरी की बात हो। जहां चेयर लगाए गए हैं वहां पे भी अच्छी खासी दूरी मेंटेन की गई है सभी चेयर्स के बीच में, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? देखिए आरती, निश्चित रूप से धनबाद में भी कल ही जैसा जिस तरह के उपायुक्त से हमारी बात हुई है, उन्होंने इस सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को लेकर जितने भी गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन कराने का यहाँ पे भी विश्वास दिलाया है, और वो दिख भी रहा है। इस ग्राउंड में देखिए चेयर कुर्सियों की जो दूरी है वो डिस्टेंस के साथ है, और जैसा कि अभी DPO साहब बता रहे थे, जो यहाँ पे सैनिटाइजर का भी और मास्क का भी पूरा व्यवस्था रहेगा। अब देखिए हमारे साथ सीधे नगर आयुक्त हैं, चूंकि विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है, तो नगर निगम के द्वारा किस किस योजना का आज उद्घाटन होना है सर, और क्या क्या होना है?
वो धनबाद नगर निगम के हम लोग चार विवाह मंडप का उद्घाटन करा रहे हैं। वार्ड विकास केंद्र है 9 और 2 सामुदायिक भवन है। उसके अलावा विभिन्न मोहल्लों में जो हमारे गली और सड़क है वो हम लोग करा रहे हैं। करीब 35 करोड़ की योजनाएं हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास करा रहे हैं। देखिए आरती, नगर निगम भी आज इस सरकार के 1 साल पूरे होने पर यहाँ धनबाद की जनता को लगभग 35 करोड़ की योजनाओं का सौगात दे रही है, जिसमें 4 विवाह भवन है जो जो अमूमन लोगों की जरूरत के लिए है। उसके अलावा गलियां हैं, सड़कें हैं और कई एक ऐसे योजनाएं हैं जिसका आज धरातल पर ऑनलाइन सीधे मुख्यमंत्री वहां मोराबादी मैदान से उद्घाटन करेंगे। चलिए तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण आपका और अजय लाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अजय बने रहिए हमारे साथ।